सिंगरौली में दुकानदारों और पार्षद ने नगर निगम पर नीलामी प्रक्रिया गोपनीय तरीके से कराने को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के चलते उनकी दुकानें नहीं चली, जिसकी वजह से वे नगर निगम की निर्धारित फीस देने में असमर्थ हैं। दूसरों को आवंटन देने के बजाय उनको 2 वर्ष का समय दें ताकि वे खुद की स्थिति सुधार सकें। नवजीवन बिहार में स्थित कादम्बरी कॉम्प्लेक्स के सभी दुकानदारों और पार्षद विनीता कुशवाहा ने कलेक्टर राजीव रंजन मीना को परेशानी बताते हुए नगर निगम पर कई आरोप लगाए। दुकानदारों का कहना है कि कादम्बरी कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानों की दोबारा नीलामी गोपनीय तरीके से कराई जा रही है, जिसकी जानकारी किसी भी दुकानदार को नहीं दी गई, जबकि दुकानदार पिछले 30 साल से अपनी रोजी रोटी यहां से चला रहे हैं। पार्षद विनीता कुशवाहा ने कहा कि कुछ निगम कर्मियों की भी दुकानें थी जिनको उन्होंने नीलामी की प्रक्रिया होने से पहले ही बेच दिया। दुकानदारों का कहना है कि कोविड-19 के चलते पिछले मार्च माह से आज तक सभी बेरोजगार हैं तथा वे नगर निगम द्वारा निर्धारित मूल्य को जमा करने में असमर्थ हैं। इसीलिए कम से कम 2 वर्ष तक का समय इन्हें प्रदान किया जाए और पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर की देख रेख में निविदा जमा करते हुए नीलामी कराई जाए। सर, हम 30 साल से रह रहे हैं और उसी दुकान से मेरे बाल बच्चों परिवार का गुजारा चल रहा है और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहते, हम बीमारियों से ग्रसित हैं। अगर कुछ ऐसा होगा सर तो हम अपना जान दे देंगे। सर, अगर हमें दुकान जो है हमें मिलना चाहिए, बताइए सर। उसमें जो हम उतने दिन से उसमें लगा दिए कि ST ST है, वो है सर, कहाँ हम लोग जाएंगे। कि मेरे वार्ड 32 में जो कादम्बरी कॉम्प्लेक्स दुकान नगर निगम द्वारा बनाया गया था 1984 से लेकर, और उस दुकान की 30 साल से लोग कुछ दुकानों में रह रहे हैं, अपना दुकान खोल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे उसी में जी रहे हैं, और उसी दुकान को आज निरस्त करके ना उन्हें कोई नोटिस दिया गया है, ना उन्हें कोई जानकारी दी गई है। पेपर भी निकालते हैं तो कृति क्रांति, जो किसी के घर जाता भी नहीं है, अगर निकालना है तो दैनिक भास्कर पत्रिका में निकालते तो हमें सूचना मिलता। आज अचानक सूचना मिला, हम लोग कलेक्टर साहब को लेटर देने आए हैं पूरे दुकानदार के साथ कि इनकी दुकानें रुक जाए और इनको ही मिले उनकी दुकान। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।